जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग इस धरना और प्रदर्शन में किसी खुशी की बिना पर नहीं बैठे हैं। हमें तकलीफ है, हमें दुख है, और तकलीफ और दुख है उस कानून से जिस कानून को मोदी सरकार ने भारत के निवासियों पर थोप दिया है और भारत के कोने कोने पर कोने कोने में परेशानियां और उलझने पैदा हो गई हैं। नित नए तरीके से अपने उस कानून को शहर से देहात तक लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मोहतरम और ख्वातीनों हजरात, आप लोगों के दिमाग में यह बात होगी कि भाई ये तो ये बिल्कुल लगता है कि सियासी और राजनीतिक ये सब काम हैं, मौलाना लोग कैसे इसमें आकर के शामिल हो जाते हैं। जैसा कि एक भाई ने कहा कि भाई आप लोग भी जो है राजनीति से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यह राजनीति की बात नहीं, और अगर राजनीति की बात है, सियासत की बात है, तो सच्ची सियासत और सच्ची राजनीति की बात है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ भाई मौजूद हैं, यह एजिटेशन जो हम लोग चला रहे हैं, यह तहरीक जो छेड़े हुए हैं, कतान हमारी शरीयत से खिलाफ नहीं है। मेरे भाई और बहनों और माताओं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मर रहा मिनको मुनकरन फल योगा ईर हो बिया दे फैलम यस्तते फबिलिसा नहीं फैलम यस्तते फबे कल्ब ही वदालिका अदाफुल ईमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम किसी को गलत काम करते हुए देखो, गलत बात कहते हुए देखो, तो अगर ताकत हो तो तुम उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम में इस बात की सकत और तुम में अगर इस बात की ताकत नहीं है कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम उनका मुनाक्षा नहीं कर सकते, तो तुम कम से कम जबान से उनका बाइकाट करो, उनकी मुखालफत करो और उस मुखालफत पर डटे रहो। मेरे मोहतरम और ख्वातीनों हजरात, ये एजिटेशन कतान जो है रास्ते से हट करके नहीं है। ये अलग बात है कि मोदी जी और अमित शाह जी ये कहते फिर रहे हैं और चिल्लाते फिर रहे हैं कि लोग गुमराह हो गए हैं, और हमारे CAA और NRC और NPR को नहीं समझ रहे हैं। मेरे भाई, अकेले दो ही आदमी इस हिंदुस्तान में ज्यादा समझने वाले हैं, और उनका नाम है मोदी जी और अमित शाह जी। लेकिन क्या आप अमृत सेन को क्या कहेंगे? क्या आप जो है बड़े बड़े विद्वान जो हिंदुस्तान के अंदर आपके खिलाफ और आपके कानून की मुखालफत में खड़े हो गए हैं, क्या वो भी आपकी नजर में गुमराह है? क्या यूरोप का यूरोप के ममालिक और यूरोप की पार्लियामेंट जिसमें जो है आपके कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, क्या यूरोप के लोग भी पूरी दुनिया में होशियारी और अकलमंदी में मशहूर गिने जाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों की नजर में वो भी जो है गुमराह हो गए हैं? मेरे भाई, आप किसको किसको गुमराह कहेंगे? आप मोदी जी, आपके लोग तो अच्छे लोगों को गोली मारने की बात करते हैं, तो आप उनको जो है इनाम और इकराम से नवाजते हैं,
आपके लोग, लोगों को अच्छे लोग जो आपकी बुरी हरकत पर उंगली रखते हैं या उसके खिलाफ बोलते हैं, तो आप जो है उनको जो है इनाम से नवाजते हैं और उनकी पदोन्नति करते हैं और आप और उनको उकसाने का काम करते हैं। आपके मंत्री लोग वोट के अंदर जब वोटिंग होती है, आज आप लोगों ने सुना होगा दो चार दिन पहले दिल्ली के अंदर गिरिराज सिंह को शराब और नोट बांटते हुए वहां के लोगों ने पकड़ा और उसकी वीडियो बनाई, लेकिन इस पर भी प्रधानमंत्री जी आप खामोश रहे और चुप रहे। क्या आपने ये सोच रखा है कि हिंदुस्तान को तबाही के दहाने पर ले जा करके बर्बाद करके छोड़ेंगे? तो प्रधानमंत्री जी, ये प्रधानमंत्री के पद के और गरिमा के बिल्कुल विरुद्ध बात है और उसके उल्टा बात है। इसलिए मेरे भाई, आप हम सभी लोग जो हैं ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री जी को होश आ जाए और वो ये जाने कि CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून यह गलत है और मजहब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर आपने इस कानून को ला करके भेदभाव पैदा कर दिया है और समाज में जो है बंटवारे का काम किया है। जब CAA ला दिया गया है तो उसके साथ NRC का होना जरूरी है, वो लाजिम और मलजूम है। आप कितना उसको छुपा कर रखेंगे, लेकिन आप वो NRC वाला काम करेंगे ही। मेरे भाई, उस NRC का नाम NPR रख करके आप फिर समाज में ला रहे हैं और NPR से पहले आपने जो है ये जो है आर्थिक जनगणना का नाम दे करके और एजेंसियों को आप जो है ठीका दे करके समाज में भेज रहे हैं। मेरे भाई, मैं अपनी घटना बताऊं, मैं अपनी जो है एक कहानी बताऊं। परसों की बात है कि सर्वे में ऐसे दो आदमियों को भेजा गया आर्थिक जनगणना करने के लिए कि जो हमारे और आपके बीच के लोग थे। जब मैंने फोन लगाया और कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं गांव में, थोड़ा हमको समझाइए, उन लोगों ने कहा कि मौलाना साहब, हम लोग के मुल्क में NPR आने वाला है और NPR से पहले ये प्री NPR है। ये जो है उस आदमी ने इस बात को स्वीकार किया और अपने मुंह से उसने ये कहा। तो मैंने कहा कि हमको आप लोग पहचानते हैं? अतः हाँ पहचानते हैं, आप मौलाना साहब बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि मेरे भाई, हम लोग एजिटेशन चला रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यही इसी सब को रोकने के लिए और इसमें बदलाव करने के लिए, लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि मौलाना साहब, जितने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, हम ही लोग समझ रहे हैं और 10 दिन हम लोग को ट्रेनिंग दी गई है और हम लोग कुछ पैसा कमा रहे हैं, आप इसमें रोड़े मत अटकाइए। हमने कहा कि मेरे भाई, आप जो है सारे लोगों की गर्दन पर छुरी चला करके आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, आप मेरी बस्ती से, मेरे गांव से अभी निकल जाइए, नहीं तो गांव में बहुत बड़ा जो है बवाल खड़ा हो सकता है। 12 लोग चले गए, लेकिन दूसरी बस्ती में गुलाब चौक पर आते हैं, उन दोनों से मुलाकात होती है। मैंने कहा कि तुम थोड़ा सा पढ़ करके सुनाओ कि आर्थिक जनगणना में तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जब उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो वही सारी बातें हैं जो NPR में मौजूद है। वो लोग ये लिख रहे हैं कि आपके घर में कितने रूम हैं, आपके घर में जो है कितने लोग हैं, घर के मुखिया का यानी घर के गार्जियन का नाम क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, ये सब जितने बूढ़े हैं उसकी तफसील लिखते हैं, घर कितना है, पाइप है कि नहीं है, पाइप घर के अंदर है या घर के बाहर है, आपके पास मुर्गी कितनी है, भैंस कितनी है, वाहन यानी
मोटरसाइकिल है कि नहीं, अगर है तो सिर्फ मोटरसाइकिल है या चार पहिया भी है, ये सारी बातें उसमें मौजूद थी। हमने जो है बीएलओ से कांटेक्ट किया और बीएलओ से जब हमने कांटेक्ट किया, रब्ता किया और मुलाकात हुई, और जब उन्होंने वो 33 पॉइंट पढ़ करके सुनाए तो बिल्कुल वही थे जो आर्थिक जनगणना में मौजूद हैं मेरे भाई। इसलिए इससे होशियार रहने की जरूरत है, और खास तौर से ख्वातीन इस्लाम यानी औरतें जो घरों पर मौजूद रहती हैं और मर्द जो है 10 बजे के बाद अपने काम में चले जाते हैं, रोजी रोटी की तलाश में चले जाते हैं, और औरतें घरों पर मौजूद होती हैं, औरतों को जो है मीठी मीठी बात करके आपका राशन बढ़ जाएगा, आपका जो है मकान बन जाएगा, और गवर्नमेंट जो है आपको तरह तरह की सहूलत देगी। इसलिए आप ये लिखा दीजिए और इस पर निशान दे दीजिए, और फिर जो है आधार कार्ड का नंबर दे दीजिए। इस तरह काकर के बनाते फुसलाते हैं। इसलिए यहाँ जो औरतें मौजूद हैं, जो ख्वातीन मौजूद हैं, वो तो सुन ही रही हैं, लेकिन आप अपने मोहल्लों में भी इस बात को फैलाइए। तो ये देखिए, इससे अगर हम लोग होशियार नहीं रहेंगे तो यकीन जानिए कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है कि हिंदुस्तान को तहस नहस किया जाए और जो है सीएए को लागू किया जाए। लेकिन अब जबकि हम लोग सड़कों पर उतर गए हैं, मर्दों ख्वातीन जो है सड़कों पर उतर आई हैं, तो मेरे भाई यकीन जानिए हम लोग जो है कामयाब हो करके ही जो है अपने घरों को वापस होंगे, नहीं तो जो है अपना एजिटेशन और अपनी तारीख जारी रखेंगे, और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक जो है मोदी सरकार हिल न जाए, या ये के अपनी कुर्सी को छोड़ करके राय फेरार इख्तियार कर ले। और मेरे भाई लोग कहते हैं कि औरतें जो हैं औरतें क्यों आती हैं एजिटेशन में, लेकिन आप याद कीजिए, आप उस तारीख की बात को याद कीजिए कि नवाब वाजिद अली शाह की बीवी, जब वाजिद अली शाह जो है बिल्कुल मारे गए और जो है और वो कैद कर दिए गए, तो उनकी बीवी का नाम था हजरत महल। उन्होंने जो है घुड़सवारी को इख्तियार किया और अपनी फौज की क्यादत की, और जो है हिंदू राजाओं के साथ मिलकर के अंग्रेजों का मुकाबला किया, और इसी तरह जो है फातिमा बीवी ने अपना इतिहास रचा और अपनी तारीख बनाई, अपनी हिस्ट्री को जो है ऊंचा किया। मेरे भाई आप में वो दम है जो फातिमा बीबी में दम था, आप में वो दम है जो हजरत महल में दम था, आप में वो दम है जो झांसी की रानी में दम था। इसीलिए शायर ने कहा था, बुंदे ने हर बोले से हमने सुनी कहानी थी, वो बड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। मेरे मोहतरम, इसलिए जो है मर्द ही नहीं औरत भी हम लोगों के शाना बशाना हैं।